कश्मीर घाटी में बहने वाली बरंगी नदी आजकल हर एक की दिलचस्पी का केंद्र बनी हुई है। दरअसल बीते दिनों वंदेलगाम इलाके से गुजरने वाली बरंगी नदी में अचानक सिंक होल पैदा हो गया और नदी का सारा पानी इसी सिंक होल में गिरने लगा। अभी तक पानी को सिंक होल में जाने से रोकने में प्रशासन को कोई कामयाबी नहीं मिली है। कश्मीर डिवीजन में सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के चीफ इंजीनियर नरेश कुमार ने लोगों को इस सिंक होल से दूर रहने की हिदायत दी है। 4 दिन पहले ये जो सिंक होल क्रिएट हुआ है, तो हमारी जो फ्लड कंट्रोल डिवीज़न की टीम थी उसने इमिडिएटली वहाँ का दौरा किया है। तो फाइनली इसमें यही डिसाइड किया गया कि रिपोर्ट जो है अवेटेड है जियोलॉजिस्ट की, तो उनकी रिपोर्ट आज हमारे पास जैसे ही आ जाती है तो हम इसके ऊपर फाइनल डिसीजन जो है ले पाएंगे। और लोगों के लिए यही हमारी तरफ से संदेश है कि वो इसको फिलहाल इस होल से थोड़ा दूर ही रहें, इसको एज ए पिकनिक स्पॉट ना ट्रीट करें। बरंगी नदी का पानी झेलम दरिया के साथ जाकर मिलता है और झेलम दरिया के पानी के लिए यह एक बड़ा स्रोत है। बरंगी नदी दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले से आती है। इस नदी के बीच में जो सिंक होल बना है उसकी लंबाई और चौड़ाई करीब 12 फुट है। स्थानीय लोगों के मुताबिक सिंक होल में पानी का तेज शोर 200 मीटर दूर तक सुना जा सकता है। स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि 25 साल पहले इसी तरह का सिंक होल बना था, जिसको बाद में रेत और मिट्टी के थैलों से भरा गया था और पानी दोबारा अपनी दिशा में बहने लगा था। वंदेलगाम इलाके के एक स्थानीय निवासी इम्तियाज अहमद ने बताया कि सिंक होल में पानी जाने के कारण हजारों मछलियां अभी तक पानी ना मिलने की वजह से मर चुकी हैं। वंदेलगाम गांव के चौकीदार मोहम्मद रमजान ने बताया कि अभी तक सिंक होल में पानी को जाने से रोका नहीं जा सका है। उनका कहना था कि अगर हालात इसी तरह बने रहे तो आने वाले दिनों में उन लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं जो बरंगी नदी के पानी पर निर्भर हैं। प्रशासन का कहना है कि वह इस मामले पर काम कर रहे हैं और एक्सपर्ट्स की फाइनल रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। प्रशासन ने लोगों और मीडिया से आग्रह किया है कि वह सिंक होल के नजदीक जाने से परहेज करें और किसी भी दुर्घटना को होने का मौका ना दें। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि जो कोई भी कानून का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बरंगी नदी के आसपास धारा 144 लगाई गई है।